वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और मैं स्टार्ट करी दोपहर के 3 बजे से, और मेरे पापा रखे हैं। मैंने बोला था हम दूसरी जगह रहते हैं, वहाँ पर लगा दिखाऊंगी। तो आज मैं जा रही हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। हमारी बाइक बंद हो गई है, ये पानी में जाते ही बंद हो जाती है ये बाइक। यहाँ पे घना दोस्तों, इस जंगल में हाथी शेर सब कुछ घूमते रहते हैं, तो रात को यहाँ कोई नहीं आता है। बहुत मुश्किल का रास्ता है, पूरा कच्चा कच्चा रास्ता है, बरसात में पूरा भर जाता है। फिर से हम अपने जंगल में घुस चुके हैं, यहाँ बहुत घना जंगल है। इधर इस रास्ते में हाथी शेर आते ही रहते हैं रात को, कभी कभी तो दोपहर में भी दिख जाते हैं। और अभी फिलहाल अब हमारा गांव स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ये इनका खेत नदी की वजह से बह गया, और यहाँ पे जंगल कट रहा है। ये मकान है सबके, और ये देखो आमा नमस्ते आमा है। हमारा मकान आने ही वाला है दोस्तों, हमारे पड़ोसी बुबू का है। ये हमारा घर आ चुका है दोस्तों, ये हमारे गाय के बच्चे हैं, ये हमारा गोट है। अब हम डायरेक्ट आपको, बैग भी नहीं उतारा हम, अब हम डायरेक्ट अपने गोट के अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। ये हमारी भैंस का बच्चा है, ये भी भैंस का बच्चा है। अभी भैंस अब जंगल गई है, जंगल से आके हम आपको दिखाएंगे फिर। और अभी एक बार यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ बैक साइड से आपको। ये परियाल है, ये तो पूरा इतना बड़ा ढेर था, सब खिला दिया जानवर को। और ये हमारा मकान है, हमें मोदी जी की तरफ से मिली है, ये हमें मोदी बुबू ने दी है। यहाँ पे लाइट नहीं होती है, तो अब हमारे यहाँ पे इससे लाइट उजाला हो जाता है, वरना हमारे यहाँ पर चिराग मोमबत्ती जलाई जाती थी। वरना मोदी जी ने हमें ये लाइट दी गई है हमारे इलाके के लिए।
और कुछ मदद कर दे मोदी जी हमारी। ये इधर का व्यू देखो कितना सुंदर आता है दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा मकान है और ये हमारा झंडा लहरा रहा है और हमारी सूरज लाइट देखो कितने सारे, इनसे ही यहाँ सारा काम होता है, इसके बिना कुछ नहीं है। और इधर पे हमने फूल लगाए थे गेंदे के, ये फूल है, ये पकने वाला है चारा। और उधर हमने धनिया बोया है। इस टाइप से यहाँ पे बर्तन रखते हैं दोस्तों, ये ऐसे करके बर्तन रखते हैं, धोकर यहीं रहते हैं रात को भी। और ये हमारा नल है, ये मुर्गी है, ये खेत है हमारा, ये लीची का पेड़ हमारा, ये आम का पेड़, और हमारी बाइक ये है, और ये हमारा और हमारे पापा जी अपने कपड़े उठा के ला रहे हैं पहनने के लिए। हमारे चाचा जी ने पापा जी को SSB की वर्दी दी है लंगोटे में बैठने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी अम्मी आ रही हैं और यहाँ पे दोस्त हम रात को सोते हैं और यहाँ पे हाथी शेर आ जाते हैं, तो तभी उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये बनाई गई है। इसे क्या बोलते हैं अम्मी, टव्वा, ये सोने वाला टव्वा है, अट्टी भी बोलते हैं, टव्वा भी बोलते हैं इसे। ये पूरा टूटने वाला हो रखा है, इसे अब हम दोबारा बनाएंगे। और ये कुछ इस टाइप का हमारा हेला का होम टूर है। और मेरी अम्मी जी खेत में से आकर अब हमें चाय पिलाएंगी बनाकर। ये देखो दोस्तों यहाँ नल चल रहा है, ये पानी भर रही हैं अम्मी जी। हेलो दोस्तों, यहाँ पे पापा जी ने वर्दी पहन ली है, अब वो जंगल जा रहा है। तो हमने लकड़ी ले ली है जलाने के लिए, अब हम आग जलाते टाइम आपको मिलते हैं। हमारी आग जल चुकी है। ये देखो पापा जी को भूख लगी है, रोटी खा रहा, चाय का भी वेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चाय बन रही है और भूख लगी है, ऐसे खा रहे हैं ये। चाय तो हमारी बन चुकी है, पापा को दे भी दी, अम्मी बिस्किट फाड़ रही है बंद बिस्किट, और ये चाय मेरी है एक अम्मी की, और हम अब खाएंगे बंद बिस्किट। ये अब हम चाय पीकर मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम काट रहे हैं मशीन, ये दिख रही है, ये दिख रहा है घास, और अब हम इसे काटेंगे, अम्मी जी लगाएंगी और मैं इसको घुमा के घास काटूंगी। इतना बड़ा ढेर मैंने काटा है दोस्तों, और मेरी अम्मी सांधी बनाएंगी। सांस फूल गई मेरी, वैसे तो बात करने में सांस फूलती है, सांस फूल गई। ए ले, दूर दूर को भाग रहे हैं मेरे से। तो दोस्तों अब हम पीस रहे हैं मसाले चिकन के लिए और बिरयानी के लिए, सौंफ और लहसुन हम बाद में पीसेंगे, और पीस तो उसमें खड़ा ही डलता है। कली गिर चुकी है, दो गिर चुकी है हमसे। तो दोस्तों हमारी भैंस जंगल से आ चुकी है, हमारी भैंस जंगल से आ चुकी है। ये हमारी मेहंदी जी हैं, ये हमारी गैया है, और ये हमारी, इसका नाम क्या है, ताजन, ताजन है इसका नाम।
ये हमारे बड़े हैं और ये भी हमारे बड़े हैं इनके बच्चे, और ये हमारी रूपा डार्लिंग है, इसका नाम रूपा है, रूपा रूपा। और मुझे जाना है कपड़े उठाने, अब मैं कपड़े उठाने जाती हूँ। बाय मेहंदी, मेरे को जाना है। और हमारी गैया, गैया आ रखी है इस साइड में, और हमारे बैल आ रखे हैं, और ये हमारे बैल हैं, ये गैया है। और कपड़े इस साइड में है, ऐसे डाले जाते हैं इधर कपड़े, बैक साइड से दिखाती कुछ इस साइड से, लकड़ियों के ऊपर डाले जाते हैं, लकड़ियों की ही बाड़ बनाई जाती है कुछ। ये यहाँ पे अम्मी सब्जी बना रही हैं और हमारी बिरयानी की तैयारी हो गई है, फिर उसके बाद चाय बनाएंगे, चाय पीते टाइम आपसे हम मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा टाइम चाय पीने का हो चुका है, अभी हम चाय पी रहे हैं, अम्मी पापा हम तीन ही लोग हैं यहाँ पर, तीनों चाय पी रहे हैं अभी। तो दोस्तों आज हमारा डिनर में बना है, बिरयानी बनी है, ये सालन है, और ये हलवा है, और ये सैलेड है, ये रोटी है, अम्मी रोटी बना रही है। अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर बंद समाप्त करते हैं, आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, फिर मिलेंगे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।